अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बेटा, अगर तुम्हें लगता है ना कि रूही से मिलने के बाद तुम्हें तुम्हारे हर सवालों का जवाब मिलेगा, तो जाओ मिल लो उससे। सच छोटी माँ? सच में महाजी मुझसे नहीं जा रहे, और मैंने तो दादी से झूठ बोला है कि मैं यहाँ पर हूँ। महाजी वहाँ पहुँच गए तो सब गड़बड़ हो जाएगी, वहाँ दादी दादू परेशान हो जाएगी, मेरा सच भी बाहर आ जाएगा। माँ जी, हेलो, क्या बोल रहे हैं आप? आज? अरे पर आज कैसे? जल्दी से कोई बहाना करके यहाँ से निकलना होगा। माँ जी, वो कहा है ना कि हमको आधा दिन का छुट्टी चाहिए। उब हमें पति का फोन आया था, हम शाम तक वापस आ जाएंगे। क्यों? अब वो कहा है ना कि हमारी ननद, वो जिसके बारे में आपको बताए थे ना हम, हाँ उसको ना उसके ससुराल वाले देखने आने वाले हैं, तो हमारे पति का फोन आया था, हमको घर जाना होगा। अच्छा ठीक है, जाओ। नहीं, कहीं नहीं जाओगी तुम। कुछ देर में मेरी जगराता मंडली की सहेली आने वाली है, उनके लिए खाना बनाना है और सब तुम बनाओगी। तो अपने पति से कह दो कि वहां तुम संभाल लो, वरना तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगी। माची लेकिन चुप, एकदम चुप। सुनो, इन नौकरानियों की है ना लगाम कस के रखनी होती है, वरना ये आए दिन छुट्टियां लेने लग जाती है। जी। इस नौकरानी का कोई भरोसा नहीं, क्या पता कोई चीज चुरा ली हो रात को और अब अपने पति को देने जा रही हो। इस पर तो कड़ी नजर रहेगी मुझे। हे भगवान, नाजी अभी थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे, अब मैं क्या करूं? खाटू जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ जाकर तैयारी करो। जी 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 माँ, अम्मा जी। आज रूही मैं अपने हर सवाल का जवाब लेकर रहूंगा। नाहर जी अगर घर पहुंच गए और अगर उन्हें मेहमान नहीं मिले, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मुझे जल्दी से सारा काम खत्म करना होगा। नाहर जी तो बस आधे घंटे में वहां पहुंच जाएंगे, और इतना सारा काम आधे घंटे में कैसे पूरा होगा? मुझे इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना है, आधे घंटे में कैसे बना पाऊंगी मैं? अगर जूही वहां होती तो जूही मेरी मदद करती थी। क्या करूं, कैसे करूं? मुझे कैसे भी वहां पहुंचना होगा। बड़ी जल्दी है ना इसे जाने की, अभी दिखाती हूं। चकोरी, ऐसे तो तुम्हें 2 घंटे लग जाते हैं काम खत्म करने में, खाना बनाने में, लेकिन आज बड़े सरपट हाथ चल रहे तुम्हारे। कहीं जल्दबाजी के चक्कर में कच्चा खाना मत खिला देना मेरी सहेलियों को, हर चीज एकदम स्वादिष्ट बननी चाहिए। और हाँ, मेरी एक सहेली को ना पिसी हुई दाल के पकौड़े बहुत पसंद है। ये दाल पीस के इसके पकौड़े बनाना। अब जी दादी जी, हम ही दाल को उबाल के इसको मिक्सी में पीस के अच्छे से इसके पकौड़े बना देंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, दाल मिक्सी में नहीं पिसेगी, दाल सिलबट्टे पे पिसेगी। सिलबट्टे पे पिसी हुई दाल के पकौड़ों का स्वाद ही कुछ अलग होता है, समझी? अब ऐसे बुत की तरह क्यों खड़ी हो? काम शुरू करो। ज, ज,
जी। मेरी काटू जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। किसी भी बहाने से नाहर जी को रास्ते में थोड़ी देर और रोके ताकि मैं समय से घर पहुंच जाऊं। आज रोहित तुमसे बात करके सारी चीजें क्लियर करनी है। मुझे मेरे हर सवाल का जवाब चाहिए। हाँ, सिर्फ हम दोनों होंगे, कोई तीसरा नहीं होगा, और ना ही कोई गलत फहमी। ये कार को अचानक क्या हुआ? वाओ, ये कितनी अच्छी मूवी है। मुझे ऐसी मूवी की तो तलाश थी जिसमें हीरो को हासिल करने के एक से एक आइडियाज हो। वाओ, व्हाट अ मूवी। अग्नि, अग्नि, अरे अग्नि, अग्नि, अरे कब से आवाज लगा रही हो तुम्हें, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? क्या है दादी? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? मैं ये कह रही हूँ कि मैं पाठ करने जा रही हूँ तो तुम जाकर चकोरी पर नजर रखो। चकोरी, चकोरी, अरे जाओ। जा रही हूँ दादी। ओ माय गॉड, किचन में तो बहुत गर्मी है, मैं यहाँ तो नहीं बैठ पाऊंगी। यहाँ बैठ के मूवी? नो वे। क्या करूँ? आइडिया, मैं किचन के बाहर बैठ जाती हूँ, चेयर लेके वहां बैठती हूँ। वैसे भी चकोरी तो काम में बिजी है, वहां बैठे बैठे मैं मूवी भी देख लूंगी और चकोरी पे ध्यान भी दे लूंगी। ग्रेट आइडिया। जैसे को तैसा, अब देखना मैं खेल खेलूंगा कैसा कैसा। हमारे बाबूजी की बेगुनाही का सबूत हमारे पास है। तुम तो टक्कर की खिलाड़ी निकली कृष्णा नारायण, खेल का असली मजा तो अब शुरू होगा। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9:30 बजे। प्रतीक के पापा, ओ प्रतीक के पापा, देखिए कौन आए, दामाद जी आए हैं। बस बस बस, खुश रहिए खुश रहिए, आइए। दामाद जी आए हैं। नाहर बेटा, खुश रहो बेटा, खुश। बहुत अच्छा लगा बेटा आपको यहाँ देखकर। लेकिन बेटा, आज अचानक यहाँ कैसे आना हो? वो ये मेरे दोस्त की बेटी है मलिष्का, कुछ दिन से हमारे साथ ही रह रही है। हेलो। हेलो। सब नजर आ रहे, रूही नजर नहीं आ रही। ये नाहर जी इधर उधर किसे ढूंढ रहे हैं और ये अकेले क्यों हैं? रूही कहाँ है, जरा पूछो उनसे। दादी, वो रूही। सॉरी 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 दामाद जी, आप बोलिए ना, क्या कह रहे थे आप? आप अचानक ऐसे इस तरह, मतलब घर में सब ठीक है? हाँ दादी, सब ठीक है। वो एक्चुअली दादी, वो रूही। नाहर जी,
हम नाहर जी। रूही बेटा तुम। दादू मुझे नाहर जी से कुछ जरूरी बात करनी है। मैं पहले उनसे बात कर लूं फिर मैं आती हूँ। नाहर जी आप अंदर चलिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। चलिए। दादी दादू आप लोग आराम से बैठिए, मैं अभी आती हूँ। नाहर जी चलिए। मैं यहाँ तो समय से आ गई, लेकिन प्लीज दादू जी आप सब संभाल लेना, किसी को पता ना चले कि मैं घर से बाहर हूँ। मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। अभी किचन की खिड़की से कूदकर पीछे के मार्केट वाले रास्ते से चली जाती हूँ, जल्दी पहुंच जाऊंगी। कमाल है, हम दोनों को आपस में ऐसी कौन सी बात करनी थी जो उन्हें बात करने के लिए हमारे घर में आना पड़ा? उनके घर में बात करने की जगह नहीं है क्या? वो आंटी जी क्या है ना, कुछ सासें ऐसी होती हैं जो अपने बेटे को ना अपने बहू के खिलाफ भड़काती हैं, ना तो अकेले में बात करने देती हैं और ना ही सुकून से रहने देती हैं। हो सकता है इसीलिए रूही जी यहाँ आई हो अपने पति से बात करने के लिए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर बातें ही करनी थी तो कहीं घूमने चले जाते, घूमने का घूमना हो जाता और बात भी हो जाती। खैर सबकी अपनी अपनी समझ है, हम क्या कहें। अरे पूनम, दामाद जी इतने दिनों बाद हमारे घर आए हैं, कुछ चाय नाश्ते का प्रबंध कीजिए, जाइए। जी। मुझे जानना है कि आखिर उन दोनों को ऐसी कौन सी बात करनी थी जो ये यहाँ टपक पड़ा। नाहर जी बैठे ना, रुके मैं आपको पानी देती हूँ। नाहर जी ये लीजिए पानी। नहीं मैं ठीक हूँ, तुम पी लो ये पानी। इतना हाफ क्यों रही हो तुम और इतना पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? सब ठीक तो है? मैं अपनी साड़ी चेंज कर लेती हूँ। वो नाहर जी वो मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी ना, धूप बहुत तेज थी तो इसीलिए इतना पसीना आ गया, और आपकी गाड़ी देखी तो नीचे भाग कर आई, इसलिए ऐसे हाँफ रही हूँ। कैसे? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ मैं, तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है इसलिए मैं यहाँ आया। जी कहिए। तुम वापस घर क्यों नहीं आ रही हो रोहित? हाँ जी वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती।
मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। अभी नहीं बता सकते। रूही, मैं तुम्हारा कोई सफाई या बहाना सुनने नहीं आया हूं यहाँ। मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए और बिना जवाब लिए मैं यहां से कहीं नहीं जा रहा। हे भगवान, कहीं नारजी ये टैटू ना देख ले। जवाब दो रूही। अच्छा ये बताओ, घर में ऐसा क्या हुआ जो तुम घर छोड़ के यहां आ गए और वापस क्यों नहीं जा रही? छोटी माँ ने डांटा क्या? छोटी माँ की बात का तुम्हें इतना बुरा लगा कि तुम अपना घर परिवार रिश्ता सब छोड़ छाड़ के यहां आ गई? रूही, वो हमसे बड़ी है, उन्हें प्यार करने का हक है तो हमें डांटने का भी हक है। तुम गलती करोगी तो वो डांटेगी, लेकिन तुम तो समझदार हो ना रूही। अगर कोई नाराज है उसकी नाराजगी दूर करने की बजाय तुम सब छोड़ छाड़ के यहां आ गई, मेरे आने का भी इंतजार नहीं किया। पता करना पड़ेगा ये रूही और दामाद जी आखिर बात क्या कर रहे हैं। दादी जी भी ना बहुत लंबी टांग है इनकी, हर मामले में अपनी टांग अड़ाती रहती है। ऐसे नहीं सुधरेंगे, को तो मैं अभी बताती हूँ। ना जी, आप ऐसे परेशान होंगे तो आपके सर में वापस दर्द हो जाएगा ना। आई डोंट केयर रूही, मुझे एक सेकंड। चकोरी, ये सब क्या है? साहब जी, एक हमारे गांव का नुस्खा है एकदम देसी, और एक आपके शहर का नुस्खा है। आप बैठिए ना, एक बार अपना मुंह ही बर्फ वाले पानी में डुबा दीजिए, आपका सारा दर्द अपने आप चला जाएगा। तुम्हें कैसे पता कि मुझे सर दर्द था? ये कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। अब वो नाजी, जब आप परेशान होते हैं तो आपके सर में दर्द हो जाता है ना, मैंने बस इसलिए बोला। की बातें या सर दर्द की बातें कर रहे हैं? तो क्या दामाद जी रूही से पाम लगवाने यहाँ आए हैं क्या? क्या जो भी हुआ के सुनती हूँ। मेरा घर तो बर्बाद कर दिया दादी जी आपने, लेकिन मैं आपको रूही दीदी का घर बर्बाद नहीं करने दूंगी। बहुत मजा आ रहा है ना दादी जी बातें सुनने में, आप लीजिए मजा। चकोरी भी ना कितनी आवाज कर रही है, मैं यहां नहीं बैठ सकती, छोड़ो। ये लड़की भी ना, इसके भरोसे कोई भी काम छोड़ना बेकार है, किसी काम की नहीं। मैं ही जाके देखती हूँ कि चकोरी काम कर रही है या काम छोड़।
काम कर रही है। ये लाइट कैसे चली गई अचानक? ट्रिप हुई होगी। लाइट जाते ही चकोरी ने दाल पीसना क्यों बंद कर दिया? हाँ मैडम, मैं क्या ही बताऊँ, वो मैं तो तुम दोनों के लिए वो जूस लेकर आ रही थी, पता नहीं कहाँ से मेरे कंधे पर एक कॉकरोच आ गया, बैठ गया यहाँ पे, मैंने देखा मैं डर गई और देखो ये सब हो गया, फैल गया। कॉकरोच? तेरे कॉकरोच मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा, वो चला गया होगा कहीं, यहीं था। कोई बात नहीं, मैं ये सब साफ साफ कर देती हूँ। दादी आप रहने दीजिए, मैं ये सब थोड़ी देर में साफ कर देती हूँ। हाँ दादी। हाँ आंटी जी, हम चलते हैं ना, अब हम कपल के बीच में क्या करेंगे? हाँ तो मैं कौन सा रुक रही हूँ, चली रही हूँ, बेटा साफ कर देना। हाँ जी। जाके देखती हूँ, अच्छे से खबर लेती हूँ इस चकोरी की। जी तुमने दो दो साड़ियां क्यों पहनी है रोहिणी? मैंने तो चकोरी के कपड़ों के ऊपर ही साड़ी पहन ली थी, लगता है नाहर जी को दिख गया।